93 बम विस्फोट का दोषी शिवसेना यूबीटी के लिए प्रचार कर रहा है, कहा भाजपा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे वॉइस न्यूज 24। बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी पर मुंबई बम धमाकों के एक दोषी की मदद से वोट मांगने का आरोप लगाया है। अंधेरी पश्चिम से भाजपा विधायक ने बताया कि 1993 की मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान, जिसने 10 साल जेल में बिताए थे, बुधवार को MVA उत्तर पश्चिम के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के लिए प्रचार करते देखे गए। चौहान ने अंधेरी पश्चिम में SV रोड से JP रोड तक करीब 1 घंटे तक कीर्तिकर के साथ रोड रैली की। अमित साटम ने बताया, उन्होंने कहा, यह चुनाव अब राष्ट्रवादी ताकतों और टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है। भाजपा के आरोप के जवाब में कीर्तिकार ने कहा कि यह भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा, रैली में इतने सारे लोग होते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ कौन चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि भाजपा ऐसे लोगों को रैली में भेजकर वीडियो रिकॉर्ड करती है और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करती है। भाजपा ने शिवसेना यूबीटी पर मुंबई बम विस्फोट के दोषी को वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शैलार ने राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ मोदी का समर्थन करने का आग्रह किया। कीर्तिकर ने फडणवीस और सोशल मीडिया से जुड़ी रैली की घटना में भाजपा की साजिश पर संदेह जताया। उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन वे पार्टी की विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। विपक्षी उम्मीदवारों की चुनौती और पार्टी में फूट के बावजूद उन्हें जीत की उम्मीद है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।